On India blogs, protest in parliament demanding withdrawal of 18% GST on life and health insurance premium, JMM leader Mahua Majhi said. Modi government implements anything under dictatorship without thinking. Demonetization was done. GST was implemented. If there is 18% GST in the health sector, then the middle class will be very much affected by it. This is a huge injustice to the country. This protest will continue till 18% GST is abolished. बस देख के उनको लग रहा है कि किसी और की मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है. नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया. अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है. लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें. तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए. इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए. मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग जीवन बीमा कराते हैं या मेडिक्लेम का भी इतना, अब यह है कि मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग प्रभावित होंगे? अब लोग लेना ही बंद कर देंगे. जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा. अब इस तरह की चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है. ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा. अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता. आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं. ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं. ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, उनसे आप वसूली नहीं करते. और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं, आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने परसेंट चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए. अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं. तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है. एक मैम और मुद्दा है, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा, आप क्या कहना है, क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते